पानी के बाद वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पी जाने वाली चीज है चाय। इंडिया में तो हर गली हर चौराहे पर एक चाय वाला बैठा है। आई थिंक सबसे बढ़िया गांव है ये, एंटरप्रेन्योर जल्दी बन जाते हैं। तो आज हम चल पड़े हैं चांदनी चौक की गलियों में चाय पीने, जहां पर ऐसी चाय पिलाई जाती है जो पीलिए को भी भगा दे, जॉन्डिस का भी इलाज कर दे। 7 पीढ़ियों से चाय पिला रहे हैं पीके जैन, और इस ट्रेल पर मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, रिक्शे भर भर के हम जा रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारी जगह पर चाय पिएंगे ना। फिलहाल चांदनी चौक चलते हैं, आइए रिक्शे में बैठिए मेरे साथ। घर में मेहमान आए और पहला सवाल, चाय पिएंगे आप? हम तो आपको चाय पिलाने आए हैं चांदनी चौक में, मगर ऐसी चाय आपने नहीं पी होगी अपने घर में भी जिसमें बादाम डाला हो। चाय में बादाम, ये क्या कर रहा है? बादाम और केसर, ये स्पेशलिटी हमारी। अच्छा, ये जब मतलब कोई VIP चाय बनती है या कहीं जाना होता है, हमें कहीं ऑर्डर पे जाना होता है, वो चाय यही बनाते हैं। चाय में बादाम और केसर डालने से चाय का तो टेस्ट अलग हो जाता है, क्या इससे कोई फायदा होता है? फायदा नहीं, सिर्फ स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए। ये अनिल हमारे रिक्शे वाले भैया, चांदनी चौक घुमा रहे और चाय यूँ पी रहे हैं क्योंकि चाय हर कोई पीता है। दिन में चाय पीते हो? कितनी बार पीते हो? 3-4 बार पीते हैं। 3-4 बार? इतनी गर्मी में भी चाय? क्यों? थकावट उतरती है चाय से। क्या उतरती है? थकावट उतर जाती है, इसलिए तो चाय पी जाती है। टी ट्रेल्स पर आपको और लोगों से मिलाएंगे, हर बंदा चाय पीता है, लिखवा लो मुझसे। चाय पीने वाले वर्ल्ड ओवर बहुत हैं। आपको पता है कि इंडिया में चाय आने से पहले सबसे पहले चाइना में चाय पी जाती थी। मेरे साथ है इटली से आए, देखिए क्या मस्त लग रहे हैं ये। क्या नाम है आपका? नाम नहीं पता। नाम? नाम और नो, मैं मार्टिनो। मार्टिनो, मैं इनसे हिंदी में बात करूंगा, क्यों? क्योंकि हम लोग चाय की बात करने वाले और चाय को कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए। मार्टिनो, कैसी है चाय? हाउ इज द टी? इज द टी वेरी नाइस। समझ गया, हाँ। It's excellent tea. It's with milk, which is unusual for me because I usually drink it black. But it's very nice. Italy में और India में चाय? I always drink. कैसे? कैसे अलग है? All different ways. हाँ, different ways. Yes, we drink it different ways, but it's always nice tea. इसलिए कह रहा था मैं, चाय की कोई परिभाषा नहीं है, चाय पीने वाले समझ ही जाते हैं क्या पी रहे हैं हम। Cheers, Martino. Yes. To the tea. To tea. ये किताबें हैं जी एक चाय वाले की। इमेजिन कर सकते हैं आप, एक चाय वाला किताबें बना रहा है। मुझे बताओ पहले चाय कैसे बनाते हो, फिर बाद में किताबों की बात। चाय कैसे बनाते हो मतलब? मतलब कि चाय आपकी इतनी खास कैसे है? खास इसलिए है कि एक मदर डेयरी का दूध लाता हूँ मैं। अच्छा, उसी ढंग से हम पानी तो मिलाते हैं, अगर पानी से चाय बनेगी नहीं, लेकिन दूध की मात्रा उतनी उससे ज़्यादा रखते हैं, ढंग से रखते हैं, फिर उसमें इलायची डालते हैं और उसको अच्छी तरह से उबालते हैं, उसके बाद चाय का टेस्ट अलग ही बन जाता है, जो कह रहे लक्ष्मण राव की चाय। चाय चाय चाय। तो इतने सारे चायजादों के साथ आज मैं दिल्ली के अलग अलग कोनों में गया, जहाँ चाय पी और ये एक टी टेस्टिंग सेशन भी अटेंड किया, बहुत मज़ेदार रहा। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं BBC हिंदी के पेज को। ये जो केतली है चाय की, इसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। मैं वैभव मिलूंगा आपको ऐसे ही खाते पीते फिर से, तब तक करिए अपना ख्याल, और एक चाय की चुस्की पीने का टाइम हो गया, किसी भी दिन किसी भी टाइम आप चाय पी सकते हैं। मैं चलता हूँ, बाय। जूस, शिकंजी, कांजी, इस सब के बाद अब और थोड़ा सा मुंह मीठा करते हैं फलूदा रबड़ी के साथ। एक बार मजाक में अरविंद ने कहा कि वहाँ पर जो भी गया है उसकी नौकरी चली जाती है, या उसकी सुसाइड कर लेता है, या उसकी मौत हो जाती है।